हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपार्ट फ्रॉम यू वांगशान फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ऑथर का नाम है जीवा फैंटेसी गर्ल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैन फिक्शन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था अंकल फिर से अनकॉन्सियस हो गए थे और सुशे ने वुइंग को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसकी वजह से वुइंग गुसु छोड़कर चला गया था। जाने से पहले उसने वेनिंग को भी सुला दिया था एक गहरी नींद में, ताकि वो उसका पीछा ना कर पाए। और इधर कुछ घंटे बाद अंकल का सेंस आ गया था। अंकल ने सबको सच सच बता दिया कि वो वेइंग एंड लंजा के रिलेशनशिप को मान चुके हैं एंड उसने वेइंग के गोल्डन कोर को भी रिस्टोर कर दिया है। तभी जिलिंग वहाँ पर आया और उसने कहा कि वेइंग वहाँ से चला गया है एंड वो नेवर नाइट के क्लिप पे ही गया है। इस तरफ नेवर नाइट क्लिप में वुइंग का दिल बिल्कुल टूट चुका था। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। वो नेवर नाइट के क्लिप पे एकदम लास्ट तक चला गया एंड सोचने लगा, वुइवुशियान वुइवुशियान नहीं, यिलिंग लोजू, तुम एक कर्ज ह्यूमन हो। और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने आप से ही कहता रहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपने आप को ह्यूमन भी कह सकते हो। जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स मारे गए, देन जिन्होंने मुझे एडॉप्ट किया एंड मुझे बड़ा किया वो भी मरे गए, देन सीजीए एंड उसका हस्बैंड वो भी मरे गए, जो जो पर्सन मुझसे प्यार करते थे सब मरे गए, बट उनके कोई भी फॉल्ट नहीं थे। एक इंसान इतना अनलकी कैसे हो सकता है। वुइंग अपने घुटनों पे गिर गया और रोता रहा और सोचता रहा, ऑनेस्टली जब मैं फिर से अपनी जिंदगी में वापस आया था मैं बिल्कुल ब्लैंक था, बट लंजा से मीट होने के बाद मैं बहुत खुश था। मैं लंजा के साथ हमेशा रहना चाहता था। ये सोचते हुए उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी एंड सेकेंड में वो स्माइल की एक्सप्रेशन सैड एक्सप्रेशन में बदल गया। फिर वो सोचने लगा, नहीं, जो भी मुझसे प्यार करते हैं उनका बहुत ही दर्दनाक एंडिंग होता है। क्या होगा अगर लंजा के साथ भी ऐसा हुआ तो? नहीं, इससे अच्छा मैं ही पहले चला जाऊं, और वैसे भी मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूं। इससे पहले मैं अपने लव्ड वंस को हर्ट कर दूं मैं ही चला जाता हूं। क्लैन लीडर एंड जेवोजुन लंजा के अच्छे से ख्याल रखेंगे, मैं श्योर हूं। मैं सिर्फ एक बार जियांगजांग से मिलना चाहता था, बट मुझे नहीं लगता कि मैं वो डिजर्व करता हूं। वो भी यांगमेंग को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो अब कितना ग्रोन अप हो चुका है। उसने साई किया और अपने आंखें बंद कर लिया और अपने सोल को रॉक करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके मरने के बाद कोई भी उसके सोल का मिसयूज ना कर सके। तभी उसके शोल्डर पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप फील हुआ। पीछे से किसी ने चिल्लाया, वुइवुशियान। वो जियांगचेंग था। वुइंग ने जब भी ये आवाज़ सुनी उसने मुड़कर देखा और उसके फेस पे स्माइल आ गई एंड वो बोलने लगा, मुझे लगता है मरने से पहले मुझे और भी कर्ज सुनना पड़ेगा। जियांगचेंग ने चिल्ला कर कहा, शट अप, तुम्हें फिर से भागने की राइट किसने दिया है? इतना तबाही क्रिएट करने के बाद तुम फिर से भागना चाहते हो? वुइंग चुपचाप सिर्फ सुन रहा था। जियांगचेंग ने कहा, तुम लायर हो वुइवुशियान, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे हेल्प करोगे यांगमिंग को टेक केयर करने के लिए, और तुम मेरे राइट हैंड बनोगे, मेरे स्ट्रेंथ बनोगे, और तुमने क्या किया? एंड अभी फिर से तुम मुझे एबरन करने की कोशिश कर रहे हो? इवन डेथ तक तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ताकि तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर सको। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता? तुम्हारी एक हिम्मत कैसे हुई कि तुम फिर से यहाँ पर आए? और तुमने सोचा भी कैसे कि हेल तुम्हें इतना आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा? वुइंग को बहुत ही डिजी फील हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत रोया था और उसका माइंड ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि जियांगचेंग उसको मारने के बदले उसके साथ बातें कर रहा है। जियांगचेंग तो चिल्लाता ही जा रहा था एंड उसको कॉम्प्लेन ही किया जा रहा था, बट वुइंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे धीरे बोला, गुड बाय जियांगचेंग लंजा, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसका बॉडी ने बैलेंस खो दिया एंड वो वहाँ से स्लिप करके नीचे गिर गया। जियांगचेंग ने चिल्लाया, वुइवुशियान नहीं। उसने अपने जीटियन को उसी डायरेक्शन में वेव किया
और तभी एक स्ट्रॉन्ग ब्लू वेव आके उसके जीजियांग को क्लैश कर दिया और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो गया। जियांग चैन ने अपने हाथों से अपने आंखें को कवर कर लिया। फिर उसने धीरे धीरे देखा कि लांगवांग जी का लाइफलेस बॉडी विभीषण को पकड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, लांगवांग जी ने चिल्ला कर कहा, जियांग वाइन फिर से नहीं। ये बोल के उसने जियांग चैन की तरफ एक डेथ ग्लेयर दिया। लंजा के स्ट्रॉन्ग वार्ड से जियांग चैन ऑलरेडी जमीन पे गिरा हुआ था। उसको बहुत पेन भी हो रहा था। उसने लंजा को फर्स्ट टाइम इतने गुस्से में देखा है और इतने जोर से बातें करते हुए देखा है। जियांग चैन को एक डेथ क्लियर देने के बाद लंजा ने विभीषण की तरफ देखा, जो उसके बाहों में गिरा हुआ था सेंसलेस। उसके सोल जैसे रो रहा था विभीषण को ऐसे देख के। लंजा ने कहा, विंग तुम मेरे साथ फिर से ऐसा नहीं कर सकते। फिर कुछ ही मिनट बाद वो दोनों ही हवा में वैनिश हो गए। जियांग चैन वहाँ पर ही पड़ा रहा। बट ऑनेस्टली जियांग चैन ने इस बार जीरियन को एफ किया था विभीषण को बचाने के लिए, बट लंजा ने उसको मिसअंडरस्टूड किया। अब कुछ टाइम बाद विंग को बहुत ही पेन फील हो रहा था। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। लंजा विंग को उसी हाउस पे लेके आया था जो उसने उसके लिए बनाया था। उसने विंग को बेड पे सुला दिया एंड उसके हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था एंड उसने मन ही मन में कहा, विंग तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से लोगों के ओपिनियंस को इतने वैल्यू देने लगे? और तुम मुझे फिर से एबेरोन कैसे कर सकते हो? लंजा ने अपने इमोशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया। उसने अपने हेड को विंग के चेस्ट पे रख दिया उसके हार्टबीट सुनने के लिए। विंग के हार्टबीट नॉर्मल चल रहे थे। ये देख के लंजा ने थोड़ा रिलीफ फील किया और स्माइल किया, बट उसने अपने हेड को विंग के चेस्ट से हटाया नहीं था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। विंग कह रहा था, लंजा तुम्हारा हेड बहुत ही हैवी है। लंजा ने सोचा था ये ड्रीम है, बट उसने फील किया कि कोई उसके ग्रिप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। लंजा विंग के हार्टबीट सुनते वक्त वहाँ पर ही सो गया था। उसको बहुत ही पीस फील हो रहा था। लंजा धीरे धीरे जागा और उसने देखा कि विंग जाग गया है। विंग ने कहा, गुसु के लोग कब से इतने स्ट्रॉन्ग एम्परर स्माइल बनाने लगे हैं? लंजा बहुत ही कन्फ्यूज हो गया था। विंग ने कहा, लंजा मैं गुसु आते वक्त एक ही जार पिया था एम्परर स्माइल के, बट पता नहीं उन्होंने उस एम्परर स्माइल में क्या मिक्स किया था कि मैं इतना ड्रंक हो गया था। अब लंजा को समझ आ गया, अंकल ने विंग के गोल्डन कोर को रिस्टोर किया था, इसकी वजह से विंग भी गुसु के लोगों की तरह हो गया है। उसका एल्कोहल टॉलरेंस कम हो गया है। उसने स्माइल किया एंड विंग की तरफ देखा। विंग ने क्वेश्चन किया, एग्जैक्टली हुआ क्या था और मैं यहाँ पर कैसे हूँ? विंग बहुत ही कन्फ्यूज फील कर रहा था, बट लंजा को सब कुछ समझ आ गया था और विंग के ऐसे पाउटी कन्फ्यूज फेस देख के उसको बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसने विंग के लिप्स पे किस कर लिया। वो सिर्फ विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने पूरे लाइफ में। विंग ने कहा, लंजा मैं अभी भी डिजी फील क्यों कर रहा हूँ और तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। लंजा ने एक एविल स्मिक की और कहा, सपने देखो, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी नहीं जाने दूंगा। विंग ने कहा, क्या लंजा? लंजा बहुत ही अजीब फील हो रहा है। तभी लंजा ने कहा, इसका हैबिट डाल लो और चुप रहो। देन उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो गया। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। विंग सुसे के साथ आर्गुमेंट होने के बाद नेवर नाइट चला आया था, बट हम सबको पता है कि विंग को किसी की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो सुसे के आने से पहले विंग ने एक जार एम्परर स्माइल पिया था। ओल्ड विंग का एल्कोहल का टॉलरेंस बहुत ही हाई था, बट दिस विंग, ये विंग तो बहुत ही प्योर था, जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी। एंड इस तरफ अंकल सोच रहे थे। विभीषण को फिर से गुस्से में देखने के बाद मुझे बहुत ही डिस्टर्ब फील हो रहा था। मैंने ऑलरेडी देखा था जब विंग मारा गया था तब लांगवांग जी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से चैलेंज ले लिया था। मुझे लगा था अब विंग चला गया है तो शायद अब वांग जी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, बट मैं गलत था। अपने नेफ्यू को अपने प्यार के लिए सालों से तड़पते हुए देखना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था।
दिन जब मैंने फिर से विभीषण को देखा था, मैंने नोटिस की थी कि उसका बॉडी बहुत वीक है एंड वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। एंड वांग जी उसके ऊपर अपने एनर्जी स्पेंड कर रहा है। यह अभी के लिए तो ठीक है, बट विभीषण दिन भर दिन वीक बनता जाएगा एंड ये वांग जी के लिए बहुत ही डेंजरस है। मैं वांग जी को फिर से ब्रोकन नहीं देख सकता, बट मैं विभीषण को ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। सो मैंने डिसाइड किया कि विभीषण का टेस्ट लिया जाए। मैंने तलिस्मा से वांग जी के पूरे पावर को उसके अंदर ही लॉक कर दिया था, इसके वजह से वो ज़मीन पे कोलैप्स्ड हो गया था। मैंने विभीषण को गिल्टी फील करवाया कि उसके वजह से वांग जी कितना वीक बन गया है। मेरे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वीइंग के बॉडी ने वांग जी का पावर एब्जॉर्ब किया है, सो ये तलिस्मा वीइंग के ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा एंड मैं सही था। विभीषण भी मेरे प्लान के ट्रैप में पूरी तरह से पड़ गया था। मैंने विभीषण से डिमांड की कि वो सारे पावर लौटा दे जो उसने वांग जी के बॉडी से एब्जॉर्ब किया था। विभीषण को पता था कि उस पावर्स के बिना वो मर जाएगा, बट उसने फिर भी विदाउट एनी हेजिटेशन एग्री कर लिया था एंड तभी वो टेस्ट में पास हो गया था। अब मैं उसको वांग जी के लिए ट्रस्ट कर सकता हूँ, बट उसके साथ नाइसली बात करने का मतलब मेरे ईगो को हर्ट करना होता है। मैंने उसके बॉडी से सारी इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया था एंड मेरे लाइफ टाइम के कल्टीवेशन पावर्स से उसके बॉडी को भर दिया था एंड उसके लिए एक न्यू गोल्डन कोर भी मैंने क्रिएट कर दिया था। ये बहुत ही पेनफुल था, बट मुझे पता है विभीषण के लिए ये पेन न्यू नहीं है, वो इसको झेल सकता है। ये थोड़ा टाइम तो लेगा, बट वो अपने ओल्ड सेल्फ को फिर से वापस ला पाएगा। मैंने एक नया विभीषण को बना दिया जिसके अंदर 100% वाइट कल्टीवेशन है। मैंने अपना कल्टीवेशन, अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट खो दिया, बट मैं हैप्पी था। मैं हैप्पी था क्योंकि मेरे सेक्रीफाइस की वजह से मेरे नेफ्यू के हैप्पीनेस फिर से वापस आ गया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं सिर्फ मेरे चाइल्ड को फिर से हैप्पी देखना चाहता हूँ। हे गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। ये अपार्ट फ्रॉम यू का लास्ट पार्ट था। ये छोटा सा था क्योंकि एक ही चैप्टर बाकी था एंड ये भी पूरा हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन? ये फैन फिक्शन भी बहुत ही अच्छा है, तो मुझे ज़रूर बताना हाँ। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।